नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे परिवार में आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की विशेष जानकारी देने वाले हैं तथा परियोजना पर हो रहे विकास कार्य की वर्तमान परिस्थिति भी आपको दिखलाएंगे। जानेंगे गंगा एक्सप्रेसवे किनारे बसने वाले इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में, जानेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के वाराणसी से लिंक होने व द्वितीय चरण में भूमि अधिग्रहण की विशेष जानकारी भी। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, एक निवेदन है कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें तथा बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करना ना भूलें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से एक तथा उत्तर प्रदेश की अति प्रतीक्षित परियोजना प्रवेश नियंत्रित मार्ग गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य ने तीव्रतम गति पकड़ रखी है। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य में एक महत्वाकांक्षी ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है तथा गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रथम चरण में मेरठ जिले के बिजौली गाँव को प्रयागराज जिले के जूदापुर दांदू गाँव से जोड़ेगा। इस मार्ग को 6 लेन का बनाया जा रहा है तथा इसे इस प्रकार से बनाया जाएगा कि इसे आवश्यकता पड़ने पर 8 लेन तक बढ़ाया जा सके। परियोजना की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। गंगा एक्सप्रेसवे पर अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे की तय की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे मार्ग उत्तर प्रदेश के जिन जिलों से होकर के गुजरेगा उनके नाम है मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। जानकारी के लिए बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर कार्य वर्ष 2019 में आरंभ हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं दिसंबर 2021 में परियोजना की नींव रखी थी और इसका निर्माण अक्टूबर 2022 में आरंभ हुआ था। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे की नोडल एजेंसी है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण अर्थात यूपीडा एवं गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण को 12 अलग अलग पैकेजों में विभाजित किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के 12 से अधिक जिलों को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर का अत्यधिक महत्व है क्योंकि यह पूर्वी यूपी को राज्य के पश्चिमी भाग से जोड़ने वाला एक प्रमुख कॉरिडोर होगा। राज्य के पूर्वी एवं पश्चिमी नोड्स को जोड़ने से पूरे कॉरिडोर का ढांचागत एवं आर्थिक विकास हो सकेगा। गंगा एक्सप्रेसवे का उद्देश्य नदी के किनारे ग्रामीण क्षेत्रों को अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करना है। कहें तो इस महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को एक्सप्रेसवे के साथ क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। लागत की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस गंगा एक्सप्रेसवे की कुल निर्माण लागत 37,350 करोड़ रुपए है। इसमें 9,500 करोड़ रुपए से अधिक भूमि अधिग्रहण लागत भी सम्मिलित है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना पर निर्माण की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि इस पर निर्माण कार्य को 4 पैकेजों में बांटा गया है, जिसमें पहला है 129.7 किलोमीटर का और इसका निर्माण करने वाली कंपनी है IRB। दूसरा पैकेज है 151.7 किलोमीटर का, जिसका निर्माण करने वाली कंपनी है अदानी। इसके पश्चात तीसरा पैकेज 155.7 किलोमीटर तथा चौथा पैकेज 156.8 किलोमीटर का है, जिसका निर्माण करने वाली कंपनी है अडानी ही। इस प्रकार से कुल 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे को अदानी इंटरप्राइजेज बदायूं से लेकर के प्रयागराज तक 464 किलोमीटर का निर्माण करेगी, जो परियोजना का 80% है। परियोजना की जानकारी देने के पश्चात अब हम आपको इसके वाराणसी से लिंक होने की जानकारी देने हेतु बता दें कि उत्तर प्रदेश के सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। मेरठ से प्रयागराज के बीच बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे के दूसरे चरण में वाराणसी और गाजीपुर होते इसी बलिया तक इसका निर्माण कराया जाएगा। लगभग 350 किलोमीटर अतिरिक्त लंबे और 6 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। द्वितीय चरण की वर्तमान परिस्थिति की जानकारी देने हेतु बता दें कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दूसरे चरण का सर्वे पूरा कर लिया है और इसके अंतर्गत वाराणसी के पिंडरा और सदर तहसीलों के 75 राजस्व गांवों को इस योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। बता दें कि गंगा के निकट 10 किलोमीटर के क्षेत्र में मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य संचालित है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे का लोकार्पण कर सकते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार और यूपीडा इस संबंध में तैयारी कर रही है।
अब दूसरे चरण के लिए भी सर्वे का कार्य पूरा कराया गया है। इससे प्रभावित होने वाले राजस्व गांवों को चिन्हित करने के पश्चात सरकार ने भूमि अधिग्रहण का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नवीन रूट की अधिक जानकारी देने हेतु बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर होते हुए बलिया तक जाएगा। वर्ष 2021 में इसे प्रयागराज से मिर्जापुर होते हुए वाराणसी रिंग रोड तक प्रस्तावित किया गया था। कुछ कारणों से गंगा एक्सप्रेसवे के रूट में परिवर्तन हुआ है। एक्सप्रेसवे अब गंगा के बाएं 10 किलोमीटर के रेंज से ही गुजरेगा। इससे अब एक्सप्रेसवे के लिए गंगा पर कोई और पुल का निर्माण नहीं करना होगा। बलिया तक गंगा एक्सप्रेसवे वरुणा व गोमती आदि नदियों के ही ऊपर से गुजरेगा। यही नहीं, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए सबसे अधिक भूमि गाजीपुर के गांवों से ही ली जाएगी। गाजीपुर के सैदपुर और मोहम्मदाबाद तहसील के 64-64 और सदर तहसील के 55 तथा जखनिया तहसील का कटकापुर गांव परियोजना में सम्मिलित है। वाराणसी में सदर तहसील के 53 और पिंडरा के 22 गांवों से होकर के गंगा एक्सप्रेसवे अब गुजरेगा। वाराणसी के जिन गांवों को चिन्हित किया गया है उनके नाम आपके स्क्रीन पर उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बसने वाले औद्योगिक गलियारे की, अर्थात इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की। तो आपको हम बता दें कि प्रयागराज से मेरठ के मध्य निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे 11 जिलों से होकर के गुजरेगा और इन 11 जिलों में गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे लगभग 2000 औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किए जाने के लिए तैयारी की जा रही है। यूपीडा यहां से बड़े भूखंड आवंटित करेगा। अगले 10 वर्ष में 20 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए इस एक्सप्रेसवे को आधार बनाया जा रहा है। अधिक जानकारी हेतु बता दें कि उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे ही नहीं अपितु 5 एक्सप्रेसवे के किनारे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, सेमीकंडक्टर, भारी व्हीकल व पावर उपकरण से लेकर फिल्म निर्माण उद्योग तक लगाने का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। यूपी सरकार देश विदेश के निवेशकों को यहां शीघ्र ही भूमि आवंटित करने का कार्य आरंभ करेगी। इसके लिए भूमि आवंटन नीति तैयार की गई है। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे बनेंगे क्लस्टर। जी हाँ, रेट तय करने से लेकर उसे बेचने तक तय होंगे। भूमि आवंटन में उन उद्योगों को प्राथमिकता मिलेगी जो सनराइज सेक्टर या फोकस सेक्टर के सीमा में आते हैं। सनराइज सेक्टर में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन, सेमीकंडक्टर, पावर उपकरण व सर्कुलर इकोनॉमी से जुड़ी हुई परियोजनाएं सम्मिलित हैं। बता दें कि कंपनियों को भूमि का कब्जा मिलने के 3 वर्ष से लेकर के 5 वर्ष के भीतर उद्योग स्थापित करने का समय सीमा होगा। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया है कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए एक्सप्रेसवे सबसे महत्वपूर्ण स्थान बनेंगे, जिसके माध्यम से निवेश और रोजगार के अवसर सरकार अगले कुछ वर्षों में देगी। सरल शब्दों में कहें तो गंगा एक्सप्रेसवे औद्योगिक गलियारे के लिहाज से सबसे समृद्ध होगा। इसमें कुल 11 औद्योगिक नगर मेरठ, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के निकट बसाए जाएंगे। अब हम आपको गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण की जानकारी देने हेतु बता दें कि इस कुल 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर 18 फ्लाईओवर व 8 रोड ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जबकि टोल प्लाजा के लिए 12 रैंप बनाए जाएंगे और 40 से अधिक पिलर पर इंटरचेंज तैयार किए जाएंगे। हापुड़ में 12 लेन का गंगा पुल तैयार किया जा रहा है और समग्र रूप से गंगा एक्सप्रेसवे का 58% से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसे अगले वर्ष महाकुंभ के पहले संपूर्ण करने का समय निर्धारित है। महत्वपूर्ण है कि एक ओर गंगा एक्सप्रेसवे पूर्व पश्चिम कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा तो दूसरी ओर यह एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट इकोसिस्टम को भी आगे बढ़ाएगा और कवर किए गए जिलों के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को लाभान्वित करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। गंगा एक्सप्रेसवे बिहार व पूर्वी यूपी से राष्ट्रीय राजधानी तक सीधी कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा। मित्रों, इस प्रकार से उत्कृष्ट स्टूडियो बनाने का हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि देश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी आप तक सही स्वरूप में पहुंचे, जिसके लिए हम यह सभी कार्य केवल और केवल अपने दम पर स्वेच्छा से कर रहे हैं। इसलिए आपका सहयोग व समर्थन अत्यंत आवश्यक है। आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं तथा वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करके वैचारिक सहयोग भी कर सकते हैं। मित्रों, हम आशा करते हैं कि आपको गंगा एक्सप्रेस परियोजना की विशेष जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में अपने गांव अथवा जिले का नाम अवश्य लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इंस्टाग्राम, एक्स व व्हाट्सएप आदि में जुड़ें भी। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।